हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपसे ब्रेकफास्ट की रेसिपी, चना दाल वड़ा। आप इसे चना दाल के कटलेट भी बोल सकते हैं, जो भी बोलें आप। और ये बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो आप इसे, लेकिन ये है इसमें कि चना दाल को थोड़ा सा सोक करने के लिए 3 से 4 घंटे के लिए सोक करना पड़ता है जिसमें। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो आपको पहले चना दाल को भिगोना है। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 4 घंटे के लिए तो इसको भिगो ही रहे। तो चलिए देखते हैं मेरी इस रेसिपी को, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और एक बार ट्राई जरूर करिए। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं ये और बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए चलते हैं रसोई में। तो सबसे पहले मैंने जो चने की दाल को रात भर भिगो के रखा था, मैं दिखाती हूँ। अब ये दाल फूल चुकी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 2-3 से 4 घंटे के लिए भी इसको भिगो सकते हैं। और इसका पानी निकाल देना है, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए वरना हमारी दाल गीली पिसेगी। फिर हमने ये 2 प्याज काट के रखे हैं, हरी मिर्च ली है 3 से 4, अदरक के टुकड़े लिए 3 से 4, और ये करी पत्ता। करी पत्ता इसमें मेन इंग्रेडिएंट है, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये लहसुन, इसको मैंने काट लिया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये तैयारी करने के बाद अपनी चने दाल को पीसना है हमें मिक्सी में। तो अब हम दाल पीसने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने दाल को डालेंगे जार में। ये बहुत ही जल्दी रेसिपी बन जाती है। बस आपको क्या करना है, बस दाल भिगोना है उसको। अगर आपने दाल भिगो ली है 3 से 4 घंटे तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम दाल को पीसेंगे। तो लगभग मैंने ये 400 ग्राम दाल ली है, आधा किलो से मतलब थोड़ा सा कम। ये 6 लोगों के हिसाब से मैंने बनाया था, तो 6 लोगों के हिसाब से ये पर्याप्त ब्रेकफास्ट बन गया था मेरा। और अगर आप 3 या 2 लोगों के लिए बनाते हैं तो आप इससे आधी दाल ले सकते हैं। मैंने डाली है इसमें 2 हरी मिर्च, अब मैं डाल रही हूँ इसमें अदरक के टुकड़े, और ये करी पत्ता हम इसी में डाल देंगे, करी लीव्स इसी में ग्राइंड करना है सब कुछ डालकर। कुछ अलग से हमें काटा पीटी नहीं करनी है। तो लहसुन डाल दिया मैंने आधा, क्योंकि आधी दाल मेरी बची हुई है तो मैंने आधा मटेरियल बाद में डालने के लिए बचा लिया और आधा अभी। बारीक पेस्ट नहीं बनाना है और इसमें पानी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसमें पानी अगर थोड़ा बहुत भी चला गया तो हमारी दाल गीली हो जाएगी। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें दाल चलाकर आप पीस सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही पेस्ट बनेगा इसका। ये देखिए इस तरीके से बनेगी, इस तरीके का पीसेगा पेस्ट हमारा। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लूँगा। तो ये मैंने एक बर्तन ले लिया है जिसमें मेरे सारे पेस्ट को निकाल के और अच्छे से मतलब मिलाना है सारे मटेरियल को। तो मैंने थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लिया है। ये मेरी आधी दाल रेडी हो गई है। अब बाकी की आधी दाल भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी पीस के। देखिए इस तरीके का है ये, बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं है मेरा, क्योंकि मैंने केवल दाल दाल को ही पीसा है, इसके साथ पानी ज़रा भी ऐड नहीं हुआ है। अब मैं अपनी बाकी की दाल को पीस लूँगी। मेरी दाल ज़्यादा थी तो मैं 2 बार में पीस रही हूँ। अगर आप 1 कप दाल लेंगे 2 से 3 लोगों के लिए तो आपका 1 ही बार में हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। वो आप मेंबर के हिसाब से बना रहे हैं तो आप उस हिसाब से दाल ले लें। मैंने अपनी बाकी की सारी दाल इसमें डाल दी है। मैं पानी को फेंक रही हूँ, जो नीचे थोड़ा सा पानी था इसमें। अब मैंने केवल दाल यूज़ किया। अब बाकी का जो मटेरियल था मेरा, करी पत्ता,
हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लहसुन और अदरक के टुकड़े। तो मेरा मटेरियल पूरा पीस के रेडी हो जाएगा जितना मुझे चाहिए था। ये देखिए मैंने अपनी दोनों बार की दाल को एक बर्तन में निकाल लिया था, और जो मैंने दो बड़े प्याज काटे थे अब मैं इसको बस खाली इसको ऊपर से डालना है। बाकी मटेरियल तो हमने इसके साथ ही पीस लिया है, केवल हम इसको ऊपर से प्याज डालेंगे, ऑनियन ऐड करेंगे, मतलब अब मैं डाल रही हूँ उसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप जितना नमक खाते हैं आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला मैं डालूंगी। थोड़ी सी लाल मिर्च, अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। मेरा कैमरा थोड़ा सा नीचे हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं मिलाने में लगी पड़ी थी इसमें। मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो कैमरा नीचे था, तो उसके लिए सॉरी। और फिर देखिए मैंने इस हिसाब से अपने सारे मसालों को मिला लिया है, हरी मिर्च और गरम मसाला डाला है मैंने, लाल मिर्च और नमक, बस मैं इतना ही मिला लूँगी। अब हम बनाते हैं इसकी टिक्की। और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, जिस कढ़ाई में मैं फ्राई करती हूँ मेरी वो कढ़ाई है, मेरे पास अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग कढ़ाई है, तो इस कढ़ाई को मैं केवल फ्राई करने के लिए यूज़ करती हूँ चीज़ों को। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, कढ़ाई हो गई है गरम, मैंने डाला है इसमें ऑयल। अब जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इस क्या करेंगे, हथेलियों पर थोड़ा सा लगाएंगे पानी, ताकि हमारा जो बैटर है जो हमने बनाया है ये चिपके ना, और इसको अच्छे से कटलेट की शेप में, हमें गोल राउंड टिक्की की शेप में, मतलब इसको हथेली से आराम से करना है। बहुत जल्दबाजी में नहीं बनाना है ये, वरना हमारी शेप बनेगी नहीं और ये चिपक जाएगा। और अगर बाय चांस आपकी दाल हो गई है पतली और आपकी ये शेप नहीं आ रही है, आप नहीं बना पा रहे हो इसको टिक्की की शेप में, तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर सकते हैं, और या फिर आप चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें ऑप्शनल हैं, आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको सही करने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि मेरा बैटर सही बना था, मेरा मटेरियल सही था, पतला नहीं था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसमें कुछ भी ऐड करने की। ये प्योर चना दाल है। अगर आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है, अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो हो ही जाता है थोड़ा सा गड़बड़, तो आप इसमें थोड़ा बेसन ऐड कर सकते हैं इसकी टिक्की बनाने के लिए, या फिर आप चावल का आटा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये दो चीज़ें, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बल्कि टेस्ट बढ़ ही जाएगा उसको ऐड करने से। तो इस तरीके से बहुत धीरे धीरे, बहुत जल्दबाजी में नहीं करना है इसको, वरना नहीं बनेगी ये अच्छे से, टूटती रहेगी और गिर जाएगी हाथों से। तो पानी लगा लगा के हम इसको इस तरीके से टिक्की की शेप में करके और कढ़ाई में डालते रहेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे इसको। जब हमारा तेल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तभी हमें इसको ट्रांसफ़र करना है, ठंडे तेल में नहीं करना है। और हाँ, इसको कढ़ाई में डालने के बाद आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि थोड़ा सा पेशेंस रखना, इसको चलाना नहीं है जब तक ये थोड़ा सा एक दो मिनट नहीं हो जाते इसको कढ़ाई में। इसमें कंचली नहीं घुमानी है क्योंकि ये फैल जाएगा, जब ये थोड़ा सा सिक जाए तब हम इसमें कंचली इसको पलटने के लिए चलाएं। आप डरे नहीं, जब ये थोड़ा सा सिकेगा तब वो ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, कढ़ाई में चिपकेगा नहीं, थोड़ा सा सिकने के बाद ही अपने आप ऊपर आ जाएगा, चिपकेगा नहीं। और आप एकदम इसको चलाएं ना, तो देखिए ये मैंने पलट दिया है, मेरा नीचे से एक तरफ से साइड से सिक चुका था तो मैंने दोबारा इसको पलट दिया, और ये देखिए अपने आप फूल चुके हैं, ऊपर आ चुके हैं ये फूल के। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, आप इसको धीमी धीमी आँच में सेकें, बहुत जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। और ये देखिए रेडी हो गए हैं,
मेरे चना दाल बड़ा, और मैंने इसको तीखी चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहो तो टमाटर केचप के साथ भी खा सकते हैं इसको, चटनी नहीं है तो। देखिए अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, तो ये खाने में बहुत मज़ेदार है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।